स्टैचू ऑफ वननेस अनवेल लाइव, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का सीएम ने किया अनावरण, संतों के साथ परिक्रमा भी की। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 5000 साधु संतों की मौजूदगी में भव्य अनावरण किया और अद्वैत धाम का आधार शिला रखी। एकात्मकता का प्रतीक इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। प्रतिमा में आदि शंकराचार्य जी बाल रूप में नजर आ रहे हैं। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का सीएम शिवराज करेंगे अनावरण। एकात्मकता का प्रतीक इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा में 12 साल के आदिगुरु शंकराचार्य की झलक नजर आ रही है। जानिए क्यों बनाई गई है 12 वर्षीय बाल आचार्य शंकर की मूर्ति। ओंकारेश्वर आदिगुरु शंकराचार्य की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि है। यहीं उनको अपने गुरु गोविंद भगवतपाद मिले और यहीं 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। यह मूर्ति सोलापुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार भगवान रामपुरा द्वारा उकेरी गई है। मूर्ति हेतु बाल शंकर का चित्र मुंबई के विख्यात चित्रकार श्री वासुदेव कामत द्वारा 2018 में बनाया गया था। मूर्ति निर्माण के लिए वर्ष 2017 से 18 में संपूर्ण मध्य प्रदेश में एकात्म यात्रा भी निकाली गई थी। बाल स्वरूप में दिखेंगे आदि शंकराचार्य। ओंकारेश्वर के मांधाता पर्वत पर बन रहे भव्य और दिव्य एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा के साथ ही अद्वैत लोक नाम का एक संग्रहालय तथा आदिगुरु शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। इस प्रकल्प के प्रथम ऐतिहासिक चरण के रूप में यहां पहले 18 सितंबर को एकात्मता की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। यह 108 फीट ऊंची बहुधातु की प्रतिमा है जिसमें आदि शंकराचार्य जी बाल स्वरूप में दिखाई देंगे। आदिगुरु शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। इस प्रकल्प के प्रथम ऐतिहासिक चरण के रूप में यहां पहले 18 सितंबर को एकात्मता की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। यह 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम शिवराज ने इसकी संतों के साथ परिक्रमा भी की। आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति के अनावरण से पहले मांधाता पर्वत पर उत्तरकाशी के स्वामी ब्रहोन्द्रानंद तथा 32 सन्यासियों द्वारा प्रस्थानत्रय भाष्य पारायण और दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के मार्गदर्शन में देश के लगभग 300 विख्यात वैदिक आर्चको द्वारा वैदिक रीति पूजन तथा 21 कुंडीय हवन किया जा रहा है। ये जो हो रहा है ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, ये कोई शासन नहीं कर रहा, ये तो स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की कृपा से हो रहा है। भारत का जो सनातन विचार है, जो मूल विचार है, ये एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना। युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम, ये संदेश केवल अद्वैत ही दे सकता है, केवल अद्वैत ही दे सकता है। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान या गुरुकुलों का जहाँ पढ़ने अद्वैत की शिक्षा लेने देश और दुनिया भर से कई विद्यार्थी आएंगे और अद्वैत में दीक्षित होकर दुनिया भर में शांति की स्थापना करने का काम करेंगे।